हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सोना, कॉस्मेटोलॉजिस्ट। आज आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेके आई हूँ जिससे जिनकी भी बालों से संबंधित प्रॉब्लम्स जिनकी भी हैं, जिनके हेयर फॉल होता है या जिनके ग्रे हेयर हैं, जिनके ग्रे हेयर कुछ कुछ लोगों के एज वाइज होते हैं, बट आजकल क्या है कि हम लोग डाइट इतनी अच्छी नहीं देते या जंक फूड ज़्यादा खाते हैं या फिर हम अपने बालों पे केमिकल ज़्यादा करवाना शुरू हो गए हैं, रिबॉन्डिंग्स, हेयर कलरिंग, स्मूदनिंग्स। तो इन सब चीज़ों से हमारे हेयर पे इफ़ेक्ट पड़ता है और हेयर रूट्स कमज़ोर हो जाती हैं और हेयर के अंदर से हमारा जो कलर होता है वो कम होता चला जाता है और हमारे हेयर जल्दी से ग्रे होना शुरू हो गए। एक टाइम था जब आफ्टर 40-50 ग्रे हेयर होने स्टार्ट होते थे लोगों के, बट आज इतना पॉल्यूशन हो गया है या इतनी डाइट की इतनी ज़्यादा डाइट में भी मिलावट हो गई है, तो वो सब बालों की जो प्रॉब्लम्स पहले 40-50 के बाद हुआ करती थी वो आज बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई हैं। कुछ कुछ तो मैंने अपने क्लाइंट्स ऐसे भी देखे हैं जिनकी एज बहुत कम है और उनके ग्रे हेयर स्टार्ट हो गए हैं। तो ऐसा क्या करें कि बालों में जो हमारे हेयर हैं वो भी कवर हो जाए? तो आप कहेंगे कि अगर हिना लगाते हैं तो हिना से बाल ड्राई जाते हैं, तो मैं कहूँगी हाँ, अगर आप अपने हेयर में उसी टाइम हिना को मिक्स करते हैं और उसी टाइम अप्लाई कर लेते हैं तो ये सब प्रॉब्लम आती है, ऑरेंज कलर भी आता है और हेयर ड्राई भी होते हैं। बट अगर आप अपनी हिना को कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करके एक हर्बल डाई का रूप दे देंगे तो आप मार्केट वाली केमिकल की डाई से बच जाएंगे। मैं आज आपको बताऊंगी अपनी हिना को हर्बल हिना में कैसे कन्वर्ट करें, जिससे अगर आप उसको वीकली बेसिस पे अप्लाई करेंगे तो आपके हेयर डे बाय डे डार्क कलर में चेंज हो जाएंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन में थोड़ा कलर आएगा, देन उसको रेगुलर यूज़ करने से कलर डार्क होता चला जाएगा। इस हिना का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसे किसी भी एज का कोई भी लगा सकता है, चाहे मेल हो फीमेल हो, इसे कोई भी अप्लाई कर सकता है। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है बट इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। इस हिना से आपके हेयर न सिर्फ सिल्की होंगे बल्कि कंडीशन भी होंगे और उसमें इतना सिल्की इफ़ेक्ट आएगा कि आपको अपने हेयर बहुत अच्छे लगेंगे और उसकी ग्रोथ में भी इम्प्रूवमेंट होगी। जिन लोगों की हेयर ग्रोथ रुक गई है वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हिना को पूरे बालों में हमेशा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि एक तो ये बहुत हैक्टिक हो जाता है और इतना पॉसिबल नहीं होता कि हम पूरी हेयर लेंथ में इसको हर वीक लगा पाएँ। तो आप इसको अगर आप पूरी लेंथ में लगाते हैं तो आप उसको मंथली बेस पे कर दें, सिर्फ रूट्स पे वीकली अप्लाई करें और इसके रिज़ल्ट मेरे साथ शेयर करें। तो मैं आगे आपको बताती हूँ इसे बनाना कैसे है और लगाना कैसे है। आज इस वीडियो में मैं आपको रूट टचअप करना सिखाऊंगी। तो बाज़ार के केमिकल वाले कलर बंद कर दें और घर पे ही अपनी हिना को अपनी हर्बल हेयर डाई बनाएं। हर्बल हेयर डाई बनाने के लिए आज मैं जो भी इंग्रेडिएंट्स ले रही हूँ ये सब बालों के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए, बालों की शाइनिंग के लिए बहुत बहुत इफ़ेक्टिव है। तो ये सब इंग्रेडिएंट आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे। अगर में से कोई एक आध चीज़ आपको नहीं मिलती तो उसको स्किप ना करें क्योंकि बहुत ही लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स के साथ आज हम अपनी मेहंदी को हर्बल हेयर डाई में चेंज करेंगे। तो कैसे बनाना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं इसके लिए 2 स्पून हिना ले रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं हिना सिर्फ रूट्स पे ही अप्लाई करती हूँ, तो इसलिए मैं 2 स्पून ले रही हूँ। अगर आप पूरे बालों में लगाते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा दें। इसके साथ मैं इसमें डालूँगी कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर बालों में एक डार्क ब्राउन कलर देने के लिए काम आता है जो बालों के लिए बहुत ही अच्छा है, तो इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ शिकाकाई पाउडर। शुगर पाउडर भी बालों में शाइनिंग के लिए, बालों की कंडीशनिंग के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए बहुत इफेक्टिव है। 1 स्पून में इसका भी ऐड कर रही हूँ। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने आपको हेयर पैक बनाना बताया था जो कि हेयर फॉल के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। उसी हेयर पैक को मैं थोड़ा सा बचा के रखा हुआ था जो मैं आज इस हिना में ऐड करूँगी। आप इतना ऐड करें कि आपको पानी बहुत ही कम डालना पड़े या ना भी डालना पड़े, इतना ऐड करें। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कत्था।
कत्था बालों के लिए बहुत ही अच्छा है, ये आपको किसी भी नज़दीक की पान की शॉप पे या पंसार की शॉप पे ड्राई फॉर्म में भी मिल जाएगा। इसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही डिप किया, इसलिए डिज़ोल्व अच्छे से नहीं हुआ है, लेकिन आप इसे कम से कम 4-5-6 घंटे पहले ही डिज़ोल्व करके रखें। अब इसको मिक्स कर लेंगे। ये हर्बल हेयर डाई बालों में बहुत जल्दी से उतरेगी नहीं, जैसे कि पसीने से कलर बहुत जल्दी हट जाता है, तो ये उस कलर को स्टे करके रखेगी। लेकिन इसके साथ आपको शैम्पू जो यूज़ करना है वो करना है सल्फेट फ्री शैम्पू। और अगर आप बिना ऑयल लगाए शैम्पू यूज़ कर रहे हैं तो आप उसके जगह शैम्पू की जगह फिर आप आंवले रीठे शिकाकाई से भी वॉश कर सकते हैं, क्योंकि वो हेयर को क्लीन कर देगा। इसको मैं 1 नाइट के लिए कवर करके रखूँगी और नेक्स्ट मॉर्निंग में इसको अप्लाई करूँगी। इस वीडियो में मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाऊँगी कि रूट्स पे कैसे अप्लाई करनी है हिना। हिना लगाने से पहले थोड़ा सा मिक्स कर लें और उसमें 1 चम्मच या 1/2 चम्मच शुगर डाल लें। सेंटर पार्टिंग निकालें सबसे पहले, उसकी रूट्स में अच्छे से उसे कवर कर लें हिना से। देन मैं राइट साइड पर पार्टिंग निकाल रही हूँ, उसका उस पर लगाऊँगी हिना। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आप पार्टिंग निकालते जाएं और हिना को अच्छे से लगाते जाएं। हिना को लगा के हल्का सा हाथ से मसाज सा करें, जिससे वो अच्छे से रूट में चली जाए। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको पूरे बालों में हिना कैसे अप्लाई की जाती है वो भी बताऊंगी। बहुत इजी है। नेक्स्ट मैंने पार्टिंग निकाली और उसको हिना अप्लाई कर दी। पहले मैंने राइट साइड पे किया था, अब मैं लेफ्ट साइड वही सेम चीज़ कर रही हूँ। मैंने पहले पार्टिंग निकाली देन हिना अप्लाई की। ऐसे ही सेक्शन बाय सेक्शन करते करते मैं अपने ईयर तक ले आई। अगर आपके हेयर ज़्यादा ग्रे हैं तो आप इसको बैक साइड पे भी ऐसे ही सेक्शन वाइज कर सकते हैं। मैंने इससे पहले मानसून हेयर हैक्स की एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप ज़रूर देखें। उससे आपका हेयर फॉल में बहुत इंप्रूवमेंट होगा और हेयर की ग्रोथ अच्छी होगी। और इसके अलावा मैंने हेयर पैक की वीडियोज़ भी बनाई हैं, तो प्लीज़ डू वॉच डैट वीडियोज़। थैंक यू।